हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी कैवेंडिस, ऑप्शन सी प्रिस्टले, ऑप्शन डी बॉयल। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिस द्वारा की गई थी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैवेंडिस। कैवेंडिस द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। हाइड्रोजन तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन को, ऑप्शन बी मैथेन को, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस को, ऑप्शन डी एथेनॉल को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पाँच। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या तीन होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या तीन होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्राइटियम, ऑप्शन डी ओजोन। तो निम्न में से ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन। ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, जल। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नियान। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शुद्ध जल उदासीन होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदासीन। शुद्ध जल उदासीन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी सात, ऑप्शन सी नौ, ऑप्शन डी चौदह। शुद्ध जल का पीएच मान सात होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सात। शुद्ध जल का पीएच मान सात होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल स्थित है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 76%, ऑप्शन सी 66%, ऑप्शन डी 29%। विश्व के लगभग 71% भूभाग पर जल स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 71%। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पानी में नमक मिलाने पर
पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होंगे? ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी घट जाएंगे, ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ऑप्शन डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी लवण जल, ऑप्शन डी बेंजीन। निम्न में से विद्युत का चालक लवण जल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लवण जल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए आसवन द्वारा, ऑप्शन बी संघनन द्वारा, ऑप्शन सी बाष्पन द्वारा, ऑप्शन डी प्रवाही आसवन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आसवन द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणु भार कितना होता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। भारी जल का अणु भार 20 होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20। भारी जल का अणु भार 20 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी मंदक, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी ईंधन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंदक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी यौगिक। कार्बन अधातु है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधातु। कार्बन अधातु है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सेलिनियन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी टिन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल तत्व हैं? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी शक्कर। निम्न में से मूल तत्व हीरा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा। हीरा मूल तत्व है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी फुलेरिन। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी प्लेटिनम। निम्न में से सबसे सख्त हीरा होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा। हीरा सबसे सख्त है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ऑप्शन ए शुद्धता, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। हीरे के संबंध में कैरेट भार होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भार। हीरे के संबंध में कैरेट भार होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ऑप्शन ए काजल, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चारकोल। तो निम्न में से कार्बन का एक रूप हेमेटाइट नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट कार्बन का एक रूप नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी
एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। निम्न में से ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी गंधक। निम्न में से ग्रेफाइट को पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी होती है? ऑप्शन ए तांबे की, ऑप्शन बी ग्रेफाइट की, ऑप्शन सी जस्ते की, ऑप्शन डी पीतल की। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी होती है? तांबे की, ग्रेफाइट की, जस्ते की या फिर पीतल की। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।